वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम बात करेंगे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जो भर्ती आई थी, जिसमें आप देख सकते हैं वाहन चालक, प्रवर्तन चालक, डिस्पैच राइडर के 164 पदों के लिए भर्ती आए थे। ये उन भर्तियों में से एक है जिनको आयोग ने बीच में पोस्टपोन कर दिया था। इनकी जांच हुई थी, इसके बाद रिजल्ट घोषित करने के लिए कहा था। इसमें आपने देखा होगा दूरसंचार से लेकर एलटी से लेकर तमाम 7 बड़ी भर्तियां थी, लेकिन सभी भर्तियों का रिजल्ट जारी हो गया है। केवल वाहन चालक ही ऐसी भर्ती है जिसका रिजल्ट नहीं आया है और काफ़ी कैंडिडेट्स इसका वेट कर रहे हैं। इसी को लेकर कल उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मार्तोलिया जी ने एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू दिया, जहाँ पर जब उनसे क्वेश्चन पूछा गया वाहन चालक को लेकर, उनके रिजल्ट को लेकर, तो उन्होंने क्या बात कही, इस वीडियो में उसके बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो आप देख सकते हैं कल जब उनका इंटरव्यू हुआ था, उसमें वाहन चालक के क्वेश्चंस पर उन्होंने क्या कहा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि वाहन चालक भर्ती परीक्षा में टेक्निकल पेंच निर्णय जल्द होगा। अब आप ये देख सकते हैं कि वाहन चालक की जो भर्ती में है वो टेक्निकल पेंच फंस रहा। अब टेक्निकल पेंच कौन सा है, यहाँ पर अध्यक्ष जी ने कुछ क्लियर नहीं कहा, या ये पदों के रोस्टर को लेकर है, या फिर उसके क्वालिफिकेशंस को लेकर है, या फिर तमाम जो शेड्यूलिंग है उसको लेकर है, कि किसको लेकर है, ये उन्होंने अभी कोई चीज़ नहीं की। लेकिन यहाँ पर उनके इस बयान से साफ जाहिर होता है कि अभी आपको वाहन चालक के रिजल्ट को लेकर काफ़ी इंतज़ार करना पड़ सकता है। यहाँ पर साफ साफ कहा उन्होंने कि SSSSC के चेयरमैन की बड़ी बातें, वाहन चालक, जी हाँ, वाहन चालक भर्ती परीक्षा में टेक्निकल पेंच निर्णय जल्द होगा। अब ये टेक्निकल पेंच क्या है, इसको लेकर मैंने आयोग को एक कल मेल किया है। लेट्स होप आयोग का रिप्लाई आ जाए। आप भी कोशिश करिएगा कि आयोग को मेल करने की कोशिश करें, और कोई भी रिस्पॉन्स आए तो आप हमारे से शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह आप जो है इसको शेयर कर सकते हैं। बाकी यार, उम्मीद है कि ये जो टेक्निकल पेंच है ये बहुत जल्द सुलझ जाए और इस पर निर्णय आए, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों की उम्मीद इस परीक्षा के रिजल्ट पर लगी हुई है। बाकी आपकी क्या राय है इस खबर पे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ज़रूर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।